नेपाल पर कब्जा करने के इरादे से जब ब्रिटेन की सेना ने नेपाल के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उसे नाम दिया गया गुरखा वॉर। उस युद्ध में ब्रिटेन की योजनाओं से उलट गुरखा आर्मी ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरी ब्रिटेन की सेना उनके सामने नतमस्तक हो गई। और उसी समय ब्रिटिश आर्मी के सर डेविड ऑक्टरलोनी ने यह फैसला कर लिया कि वो ब्रिटिश आर्मी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाएंगे। और इसी के साथ शुरुआत होती है गोरखा रेजिमेंट के गौरवशाली सफर की। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन इंडिया नेपाल ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट जो कि पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिस्सा थे वो इंडियन आर्मी में चले गए और तब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 4 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटेन की आर्मी के साथ चले गए। गोरखा रेजिमेंट में ज़्यादातर सैनिक नेपाली गोरखा होते हैं जिन्हें नेपाल के अलग अलग हिस्सों से रिक्रूट किया जाता है। गोरखा रेजिमेंट के साहस की गवाही उन्हें मिले बहुत सारे बैटल ऑनर्स और गैलेंट्री अवार्ड्स देती है। विभाजन के समय जो 6 गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी को मिले थे वो थे फर्स्ट किंग जॉर्ज फाइव्स ओन गोरखा राइफल, थर्ड क्वीन अलेक्जेंड्रा ओन गोरखा राइफल, फोर्थ प्रिंस ऑफ वेल्स ओन गोरखा राइफल, फिफ्थ रॉयल गोरखा राइफल, 8th गोरखा राइफल और 9th गोरखा राइफल। और जो 4 रेजिमेंट ब्रिटेन की आर्मी को मिले थे वो थे 2nd गोरखा राइफल, 6th गोरखा राइफल, 7th गोरखा राइफल और 10th गोरखा राइफल। लेकिन ब्रिटेन की सेना ने ये क्लियर कर दिया था कि किसी भी गोरखा सोल्जर को ये बाध्यता नहीं होगी कि उसे अपनी रेजिमेंट के साथ ब्रिटेन की सेना को शामिल करना है। इसीलिए 7th और 10th गोरखा राइफल के बहुत सारे सैनिक ने ये फैसला किया कि वो ब्रिटेन की आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे और भारत की सेना के साथ ही रहेंगे। तो ऐसे सोल्जर्स के लिए भारतीय सेना ने एक नया रेजिमेंट जिसका नाम था 11th गोरखा राइफल उसका गठन किया, जिसमें 7th और 10th गोरखा राइफल के सैनिकों को भर्ती किया गया। अगर हम गोरखा रेजिमेंट के इतिहास को खंगालें तो हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा रेजिमेंट का भरपूर इस्तेमाल किया और उनके बदौलत पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करती थी ब्रिटेन की सेना। ब्रिटेन की सेना ने गोरखा रेजिमेंट को सबसे पहले एंग्लो सिख वॉर, गोरखा सिख वॉर, अफगान वॉर और 1857 के रिबेलियन को दबाने में और ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर में हिटलर से टक्कर लेने के लिए भी भेज दिया था। और हर जगह वेस्ट में मोंटे कैसिनो से लेकर के ईस्ट में रंगून तक गोरखा रेजिमेंट में अपना लोहा मनवाया है। गोरखा रेजिमेंट को अपना सबसे पहला बैटल ऑनर मिला था फर्स्ट गोरखा राइफल्स को, जब उन्होंने भरतपुर को जीता था जाट वॉर में जो कि हुआ था 1826 में। उसके बाद फर्स्ट गोरखा राइफल पलस्तीन और मेसोपोटामियम और साथ ही साथ अफगान वॉर में भी शामिल थी जो 1919 में हुआ था। ये तो बात रही इतिहास की, अब हम जानेंगे गोरखा रेजिमेंट से जुड़े कुछ मज़ेदार बातें। गोरखा रेजिमेंट को 3 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 वीर चक्र मिल चुके हैं। गोरखा रेजिमेंट की साइन है 2 क्रॉस्ड खुखरी। खुखरी एक नेपाली चाकू होती है जिसे हर एक गोरखा सैनिक अपने साथ कैरी करता है। गोरखा रेजिमेंट में एक और परंपरा है जिसमें दशहरा के मौके पर एक नर भैंसे की बलि दी जाती है। इस भैंसे को एक ही वार में काटना होता है अपने खुखरी से और इसे करने का मौका यूनिट के सबसे यंग मेंबर को मिलता है। दूसरी बात, फील्ड मार्शल मैनेक्सॉ जो कि एक बहुत बड़े लोकप्रिय फील्ड मार्शल है इंडिया के, वो भी 8 गोरखा राइफल से ताल्लुक़ रखते थे। और एक बार उन्होंने बहुत फेमस बात कही थी कि अगर एक आदमी कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ कह रहा है या वो गोरखाली है। गोरखा रेजिमेंट की वॉर क्राई है जय महाकाली आयो गोरखाली। गोरखा रेजिमेंट में जो भी ऑफिसर बनता है उसे गोरखाली भाषा सीखनी पड़ती है ताकि वो अपने आदमियों से आसानी से उनके नेटिव लैंग्वेज में बात कर सके। इंडिया के करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग भी गोरखा राइफल से हैं। वो 5th गोरखा रेजिमेंट से है और 5th गोरखा रेजिमेंट के ट्रेडिशन के हिसाब से वो अपने हेडगियर का स्ट्रैप अपने होठों के नीचे पहनते हैं, जबकि बाकी गोरखा यूनिट्स अपने चिन स्ट्रैप को अपने जबड़े के नीचे पहनती है। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान 4th गोरखा राइफल्स ने अदम्य साहस दिखाया था और बिलाफोन लाख को डिफेंड किया था, जिसके बाद 4th गोरखा राइफल को 3 महावीर चक्र, 5 वीर चक्र और 2 सेना मेडल और साथ ही साथ 1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और 3 आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड मिला था। मेजर धान सिंह थापा जो कि 8 गोरखा राइफल्स के थे उन्हें परमवीर चक्र मिला था चाइना इंडिया वॉर में अदम्य साहस दिखाने के लिए। और 11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जिन्होंने कारगिल वॉर में अदम्य साहस दिखाया था उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। 5th गोरखा राइफल्स के 4th बटालियन ने बैटल ऑफ सलहत में हेलीबॉर्न अटैक किया था जो कि इंडिया की पहली रेजिमेंट बनी हेलीबॉर्न अटैक करने वाली। गोरखा रेजिमेंट ना सिर्फ इंडियन आर्मी में बल्कि नेपाल और ब्रिटेन की आर्मी में भी शामिल है। इंडियन आर्मी में टोटल 7 गोरखा रेजिमेंट है जिनमें 39 बटालियन हैं और अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी में लगभग 65,000 बहादुर गोरखा सैनिक काम कर रहे हैं और इन्हें कंबाइन करके कहा जाता है गोरखा ब्रिगेड।
गोरखा रेजिमेंट के वैसे इतने बहादुरी के किस्से हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो ना जाने कितने दिन लग जाएंगे, पर कुछ किस्से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला किस्सा है एक रिटायर्ड गोरखा रेजिमेंट के ऑफिसर का। जब ये ऑफिसर अपने घर जा रहा होता है रिटायर होने के बाद 2010 में, तब ट्रेन एक अंधेरे सुनसान जगह में रुकती है वेस्ट बंगाल में, जहाँ 40 लुटेरे ट्रेन में चढ़ जाते हैं और लोगों को लूटने लग जाते हैं। जब ये बात इस सैनिक को पता चलती है तो ये अपनी खुखरी निकालता है और उन 40ों पे अकेले हमला कर देता है। अकेले ये सैनिक अपने खुखरी से 8 लुटेरों को मार डालता है और लगभग 13 को घायल कर देता है, जिसके बाद वो डर के भाग जाते हैं। अब मुझे बताइए, क्या कहीं और आपने ऐसी साहस देखी है? एक और ऐसी ही कहानी है जो बहुत चर्चित हुई थी, जो कि है एक ब्रिटिश गुरखा सोल्जर की, जो कि अभी ब्रिटेन की आर्मी में है। कुछ ही दिन पहले जब वो अफगानिस्तान में डिप्लॉयड रहता है और लगभग एक साथ 30 तालिबानी आतंकवादी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो सैनिक अकेले अपनी कुकरी से उन 300 आतंकवादियों को मार डालता है जो कि तालिबान के थे, और इसकी न्यूज़पेपर से लेकर के अलग अलग न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर बहुत चर्चा हुई थी। अब मैं आपको कहानी बताऊंगा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। 1971 के युद्ध के दौरान जब बांग्लादेश के सिलहत में बैटल ऑफ सिलहत चल रहा था, तब इंडिया ने अपने तरफ से 700 गोरखा सैनिकों को भेजा था, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान के लगभग 2 ब्रिगेड उतरे थे, जिनमें टोटल 7000 से ज़्यादा सैनिक थे। पर फिर भी इन 700 सैनिकों ने इतने बहादुरी से उन 7000 सैनिकों का सामना किया था कि आखिर में वो 7000 सैनिकों ने इनके चरण में अपना सर झुका लिया और सरेंडर कर दिया। जी हाँ, 7000 सैनिकों ने सिर्फ 700 सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया। भारतीय सेना की एक सबसे बड़ी जीत थी, जिसने पूरी दुनिया को भारतीय सेना के साहस और पराक्रम दिखा दिया। और इन्हीं 700 सैनिकों के कमांडर इयान कार्डोजो की एक लैंडमाइन में पैर रखने के वजह से पैर तबाह हो गई थी ब्लास्ट के कारण, जिसके बाद उन्होंने अपने एक सोल्जर को ये ऑर्डर दिया कि वो उनके पैर को काट डाले, जिसके बाद उस सैनिक ने ऐसा करने से मना कर दिया डर के कारण। तब इयान कार्डोजो ने अपनी खुखरी निकाली और खुद ही अपने पैर को काट डाला और उस सैनिक को ऑर्डर दिया कि वो उस पैर को जा करके दफना दे। खैर, इस बहादुरी किस्से का हम किसी और वीडियो में विस्तार में जिक्र करेंगे। गोरखा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने एक बार कहा था कि अगर अपने खून को साबित किए बिना मेरे सामने मौत आता है तो मैं मौत को भी मार डालूंगा। इसी लाइन के साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि कौन सा ऐसा रेजिमेंट है भारतीय सेना का जो बहादुरी के मामले में गोरखा रेजिमेंट को भी टक्कर देता है। हम उसके ऊपर अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, हमने एक नया चैनल खोला है इंडिया टॉक्स न्यूज़, जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको गोरखा रेजिमेंट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करके अपने सभी देशभक्त दोस्तों के बीच फैला दीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन आर्मी के वीडियोस आप सबसे पहले देखें तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।